उत्तर प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि वृहद स्तर पर ओबीसी मोर्चा के द्वारा 19 मार्च को कानपुर के विजय विला में प्रदेश स्तरीय कार्य समिति का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि इस प्रदेश स्तरीय कार्य समिति कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और संगठन के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रयासों पर, प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास को बल दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों का दायित्व भी सौंपा जाएगा, जिससे वे अपने दायित्वों का संचालन बखूबी कर सकें। प्रदेश स्तरीय कार्य समिति में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत चल रही है। उनके अलावा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संगठन के पदाधिकारी समेत मंत्रीगण और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि संभवतः नगर निकाय चुनाव अप्रैल और मई माह में होंगे। सभी सम्मानित बंधुओं, आज बहुत महत्वपूर्ण सूचना के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 19 मार्च को प्रदेश स्तरीय कार्य समिति कानपुर में करेगा। 19 मार्च को ये होटल है, क्या नाम बताया? विजय विला। इस कार्य समिति में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और संगठन के बहुत वरिष्ठ जनों की उपस्थिति होने वाली है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय बृजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता अभी चल रही है। आशा है कि मुख्यमंत्री जी का भी आगमन उसमें हो। केंद्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन श्री हंसराज अहिर जी सहित अनेकों बड़े नेताओं की उपस्थिति होने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।